योगा फाउंडेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? ठीक ठाक? आज तो आपको सबको ठीक होना ही है। आज सब जो नॉनवेज खाने वाले हैं, आज तो एकदम खाके फ्रेश होने वाले हैं, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो वेज वाले हैं उनके लिए मैंने वेज लेंटिल कटलेट्स की रेसिपी सेंड की है। और अभी ये जो आज मैं अभी बताने जा रही हूँ वो है हमारे नॉनवेज के लिए, जिनको नॉनवेज बहुत पसंद है, वो है चापली कबाब। और चापली कबाब कौन से है? पेशावरी चापली कबाब। तो आज हमें कहाँ पे जाना है मालूम है? पाकिस्तान जाना है, पेशावर। तो चलो ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें चापली कबाब। अच्छा, इसके लिए पहले क्या चाहिए? ये बोनलेस मैंने चिकन लाया था और उसको मैंने क्यूब में काटा है। मैंने कीमा नहीं लेके आई, मैंने बोनलेस चिकन लाया था। और हमेशा आप बोनलेस चिकन ही लेके आना, ठीक है? ये है मेरा कुछ 200 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसके लिए मैंने लिया है कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर क्रश करके मैंने लिया हुआ है, गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है, ग्रीन चिली, कोरिएंडर और मिंट लीव्स, मीडियम साइज अनियंस है, टमाटो है एक मीडियम साइज टमाटो, फाइन चॉप अनियन चाहिए, फाइन चॉप टमाटो चाहिए, सॉल्ट है और ग्राम फ्लावर यानी चने का आटा, 1 egg और ऑयल। ओके, ये सब कीमे के लिए हमें लगने वाला है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों ने सोचा होगा कि मैम ने खीमा क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि खीमा रहने से क्या होता है, रेडीमेड खीमा पानी छोड़ देता है। इससे अच्छा है कि आप बोनलेस चिकन लेके आना है, इसको क्यूब में काटना है और मिक्सर में इसको पीसना है, तो एकदम फाइन खीमा आपको मिल जाता है और इसको पानी नहीं छूटता। ओके, तो अभी हम इसको मिक्सर में डाल रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने खीमा रेडीमेड लाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम आप बनाओगे तो हमेशा बोनलेस चिकन ला के फिर उसको मिक्सर में पीस के इस तरह से आप खीमा बना सकते हो और एकदम फाइन हो जाता है, ठीक है? कबाब के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये खीमा। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये खीमा लिया है, ठीक है? अभी हम इसमें सारे मसाले जो है वो एक एक करके डालेंगे। देखा, ये इस तरह से हमारा जो हम लोगों ने बोनलेस था क्यूब किया था वो मैंने मिक्सर में डाला और इस तरह से ये फाइन खीमा हो गया है, ठीक है? इस तरह से खीमा चाहिए हमें। अभी मैं इसमें सब मसाले डाल रही हूँ। तो मसाले कितने डालने हैं मैंने दिए हुए हैं, सो मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आपको जितना तीखा पसंद है उतना डाल सकते हो आप। थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें ग्रीन चिली भी जाती है, इसको फाइन चॉप करके ग्रीन चिली को डालना है, आपको जितनी पसंद है उतनी। अनियंस डालना है फाइन चॉप, मैं 2 tablespoons डाल रही हूँ फाइन चॉप अनियंस डालना है। इसके साथ इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और जीरा, सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार डालना है, इसमें मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को भी फाइन चॉप करके डालना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स है। अगर मिंट लीव्स अवेलेबल नहीं है चलेगा, तो कोरिएंडर लीव्स आप यूज कर सकते हो। और इसमें फाइन चॉप टमाटो भी डालने हैं, मैं 2 tablespoons डाल रही हूँ टमाटो। अच्छा, अपनी सारी चीज़ें डाल दी, अभी मैं हमने डालना है, मैंने उसमें मकई का आटा और कॉर्नफ्लावर दिया है रेसिपी में। अगर वो नहीं है आपके पास, तो मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं डाल रही हूँ चने का आटा। अगर चने का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, ठीक है? तो मैं 1.5 डाल रही हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको अच्छी तरह से नीड करूंगी, अच्छी तरह से इसको मसलना है, ऐसे नहीं बस मिक्स किया और बनाया, नहीं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है।
देखो इस तरह से हमको अच्छी तरह से नीड करना है, तब भी हमारे कबाब अच्छे आएंगे। ये कबाब जो है वो पेशावर में इस तरह से बनाते हैं, इसमें अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन यहाँ पे नहीं डाला है। आप डाल सकते हो 1/4 टीस्पून अजवाइन। उसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं, पर हमारे पास जो मसाले, और अभी ये जो क्लास हो रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारे इजी तरह से ये सीख पाए, इसके लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स एकदम आसानी से मिल सकते हैं और उनको याद भी रहेगा आसानी से कि इसमें क्या क्या जाता है। तो ऐसे हमारे कबाब बनेंगे एकदम सॉफ्ट। अच्छा, ये इस तरह से हो गया। अभी हमें और एक चीज इसमें डालनी है, जिसमें डालना है एक अंडा। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडा, अंडे को जैसे हम लोग ऑमलेट जैसा बनाते हैं वैसे बनाते हैं और फिर इसमें फाइन उसको चॉप करके इसमें डालते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। हमें इजी मेथड से करना है, तो मैं पूरा एक अंडा इसमें डाल रही हूँ। लेकिन अंडा जो है उसको वॉश करके लेना है और उसको एक वाटी में आप पहले निकालो, देखना अंडा अच्छा है या नहीं, इसके बाद आप इसमें डाल सकते हो। देखा, मैंने वाटी में पहले निकाला है ताकि वो अच्छा है या नहीं, डायरेक्टली नहीं डालना है। अभी इसमें डाला और अभी अच्छी तरह से नीड करना है, लेकिन पहले उसको अच्छी तरह से नीड करने के बाद आप अंडा डालना है, उसको वापिस उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इसमें अभी तो हम लोगों ने इसमें अंडा डाला है। अगर मटन रहता है तो इसमें फैट रहता है वो डालते हैं, तो फैट से क्या होता है उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या डाला है, अंडा डाला है। पेरेंट्स, में एक और डालना चीज भूल गई, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, जो मैंने इसमें नहीं डाली थी, और हाफ लेमन। लेमन आपके ऊपर है, अगर आपके पास लेमन नहीं है, चाट मसाला है तो आप डाल सकते हो, ओके। तो सॉरी पेरेंट्स, मैं थोड़ा जल्दी में थोड़ा रेसिपी का ये हो गया, इसकी वजह से मैं डालना भूल गई, लेकिन आप डालोगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये हमारा हो गया है, अभी हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की छोटी नहीं, इसमें टिक्की बड़ी रहती है, और जब टिक्की आप बनाओगे तो उसके पहले आपको क्या करना है, हाथ को पानी रख फिर बोल ले इस तरह से, ओके। हो गया, देखा, अब मैं इसको डाल रही हूं पैन में, लेकिन ये शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करना है। देखा, ये तो बहुत बड़ी रहती है, हमने तो मीडियम साइज बनाया है, आपको जैसा साइज आपको छोटा चाहिए छोटा बनाओ, लेकिन ये छोटी नहीं बनती टिक्की, ये बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, ओके। देखो इस तरह से मैंने एक साइड बनाई है, थोड़ा ब्राउन करना उसको। अभी हम ये इसको इस तरह से निकालेंगे और बाकी की सारी पैटियां इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखा, ये हो गए हमारे पेशावरी चॉकलेट कबाब, ठीक है। देखा इस तरह से कैसे बनाए हम लोगों ने चॉकलेट कबाब, आपको भी ऐसे बनाना है। और कीमा जो मैंने बोला है, अगर आपने कीमा लाके रखा है तो चलेगा, अगर नहीं लाके रखा है तो आप बोनलेस चिकन लेके आना और उसका कीमा बनाना। मकई का आटा नहीं है तो आप ग्राम फ्लावर यानी चने का आटा यूज कर सकते हो, सिंपल आटा भी अपना गेहूं का आटा यूज कर सकते हो। और मैंने रेसिपी में बहुत सारी क्या क्या डालना है, वो अनारदाना वगैरह है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है चलेगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने उसी से आपको बना के दिखाया है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, चलें।